हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसे होंगे बड़े होंगे तो मैं चुका वीडियो लेके। गाइस आ जा रहा हूं मैं जोड़ जो पोल में, और गाइस यहां पे उतरते के साथ ही मेरे को आज डीपी मिल जाती है। लेवल 2 की वेच मिल चुकी थी, और थोड़ी सी और लूट करते हैं और फिर जद्दे बंदों की तरफ। तो ये भाई जी, हमें डीपी से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई मैं डीपी से निपटाए तो इस बंदे को जल्दी से, और जल्दी से आके रश मारते हैं। अब यहाँ पे दो भाई जी ऑफलाइन थे, पता नहीं झगड़ा हो गया बीच में इन दोनों के कि भाई मैं गेम छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा तेरे साथ, ये क्या सीन था। यहाँ पे इन दो बंदों को मैं खत्म कर देता हूँ जल्दी से, और भाई ऊपर जो बंदे थे वो ऑफलाइन वाले उनको भी निपटाते हैं। और अब गाइस थोड़ी सी लूट करते हैं यहाँ पे और फिर निकलते हैं इधर से। तो यहाँ पे गाइस मैं लूट कर रहा था कि भाई लेवल 2 का हेलमेट मिल जाए कम से कम, मतलब कुछ तो मिले बढ़िया सा, या फिर M4 मिल जाए मेरे को। और सामने भैया फायरिंग हो रही थी और बंदा मेरे को दिख भी जाता है, और वैसे मेरे को पता था ऐसा होने नहीं वाला जो मैं करने की कोशिश कर रहा था यहाँ से, मतलब आयरन साइड से वो भी स्कारल की, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जानता, तो मैंने थोड़ा ट्राई करा लेकिन लगती नहीं बंदे को गोली। तो भैया इन बंदों पर मेरे को रशी मारना पड़ेगा, तो कैसे पहले गाड़ी उठा के लाते हैं इस कोर्ट हाउस के पास से और फिर चलते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं देख रहा था कि भाई बंदे गए तो गए कहाँ पे, लेकिन भाई मेरे को कोई दिखता नहीं यहाँ पे, और गेट वेट भी बंद से पड़े थे मतलब घरों के, लेकिन सामने भैया एक गाड़ी दिख जाती है मेरे को, और पास में एक बंदा भी दिखता है, और गाइस जिसको मैं कुचलता हूँ, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता यार बंदे को। तो यहाँ भी इन भैया को मैं फिनिश कर देता हूँ। अब इसके और बंदे को मेरे को फुटस्टेप्स आने लगे थे सामने से, जो कि मेरे को एक दिख भी जाता हल्का सा, लेकिन भैया रेड डॉट उठा के लाता हूँ मैं, क्योंकि भैया M762 आयरन साइट से अच्छी नहीं चलती भैया, रेड डॉट कम से कम चाहिए उसके ऊपर। अब ये भेज यहाँ पे फ्लैंक मार रहे थे, लेकिन मैं भी इधर से फ्लैंक मारना चाह रहा था, तो ये मेरे को दिख जाता है और भाई कर देते हैं खत्म इस वाले बंदे को भी। और यहाँ पे इन भेजी के साथ इतना गंदा स्कैम हुआ, ये स्कैम भाई किसी के साथ ना हो कभी भी। बेचारा यहाँ पे टीपी भी ले रहा था, लेकिन थोड़ा सा दिख रहा था मेरे को, तो भाई उस पर मतलब मारता हूँ मैं गोली और भाई खत्म कर देते हैं बंदे को। तो यहाँ पर गाइस थोड़ी सी हीलिंग करते हैं और फिर लास्ट वाले बंदे को मैं ढूंढता हूँ, लेकिन मिलता नहीं है वो, तो भाई थोड़ी सी लूट वूट करते हैं और फिर निकल लेते हैं। तो आज यार पोचिंग की में एक भी बंदा नहीं मिलता मेरे को, लेकिन भाई प्लेन में लोग लड़ रहे थे आपस में कि भाई तू पोचिंग की आजा, तू आजा, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरा डब्बा बना दूंगा, मतलब ऐसा सीन चल रहा था, लेकिन आता कोई भी नहीं है भाई। तो अब गाइस मैं स्कूल वगैरह चेक कर रहा था थोड़ा, और भाई सामने एक गाड़ी की साउंड आती है, तो मैं जाता हूँ चेक करने, लेकिन भैया पूरी स्कोर थी यहाँ पे। तो गाइस अपने पास एक कवर होना, तो भाई कुछ भी हो सकता है फिर, तो मतलब टीवी भी लेके कोई कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले ध्यान दिया करो कि भाई तुम कवर में हो क्या, अब यहाँ पे मैंने गाड़ी का अच्छा कवर लिया और भाई बच जाता हूँ मैं यहाँ पे, गाड़ी ने मेरी हेल्प करी भैया मेरी। और यहाँ पे गाइस इस वाले डब्बे में क्या ही लूट मिलती है, मतलब वो दो डब्बे तो बिल्कुल बेकार थे भाई, असली माल तो इस वाले पे था, तो भाई लूटते हैं जल्दी से फिर निकलते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं रोजो की तरफ जाना चाहता था, लेकिन भाई सामने गाड़ी दिख जाती है मेरे को, तो उसका पीछा करते हैं। तो यहाँ पे कैसे एक नेट फेंकता हूँ मैं कि या तो बंदे यार नोक हो जाए या फिर भग जाए, मतलब घर में से कूद के, और मेरे को आसानी हो थोड़ी।
और वही होता है भैया, भगने लग रहा था बंदा क्योंकि इसे लग रहा होगा कि और नेड आएंगे। और एक भैया जी मेरे को सामने स्कोर हाउस में दिखते हैं जिनको हल्की सीट पड़ती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब एक बंदे के फुटस्टेप्स मेरे को इस वाले घर में से आ रहे थे और ये बंदा शायद रिवाइव होने जा रहा है। यहाँ पे एक बंदा और नोक है, उसमें फिनिश नहीं करता, इससे क्या होगा कि भाई जो स्पोर्ट हाउस वाला बंदा है वो भाग के आएगा अपने बंदे को बचाने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ तो करेगा वो, नहीं तो भाई दुबक के बैठ जाता वो। तो भाई कर देते हैं इस वाली स्कोर को भी खत्म। अब भाई जहाँ से मेरे को मिल जाती है फ्लेयर गन और फ्लेयर का एमओ भी, तो ये भी चलाएंगे हम जाके, लेकिन थोड़ी लूट करते हैं पहले। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ लेकिन सामने एक बाइक स्पोर्ट होती है मेरे को, और फिर बग्गी के पास एक बंदा भी दिखा था मेरे को, और मैं इसको थोड़ी सी मारने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे बग्गी में बैठा ना हो बंदा, और मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, और भाई यही गलती हो जाती है, बंदा बैठ चुका था। अगर मैं जब स्प्रे नहीं रोकता तो शायद बंदा नोक हो जाता, और ये बंदे आगे जाके रुक जाते तो इनको पकड़ते हैं। अब ये बंदा यहाँ पे खड़ा था जाम होकर बिल्कुल, मुझे लगा भाई फ्री का किल मिलेगा, लेकिन एकदम गायब है, चमत्कार हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे भाई इस वाले बंदे को खत्म कर देते हैं। अब गाइस गैराज के साइड वाले घर में से मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे, लेकिन एक भैया जी मेरे को इस वाले घर में भी दिखते हैं जो लंबा सा घर है, और मैं थोड़ा पीछे आता हूँ पहले कवर में, और पहले भाई इसको निपटाएंगे क्योंकि ये मेरे को नहीं जाने देगा फिर। यहाँ पे इन भैया जी की मेरे को प्यारी सेटअप लिखती है, और भाई दो हेडशॉट पड़ते हैं, बंदा यहाँ पे खत्म हो जाता है। और भाई ऐसे नंबर मत लिखा करो यार। तो यहाँ पे गाइस मेरे को दो बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे हैं सामने से, लेकिन पहले भैया हीलिंग करता हूँ थोड़ी सी, पेन किलर खा लेते हैं मतलब, क्योंकि फुल हीलिंग होगी तो थोड़ा अच्छा होगा सेहत के लिए। और बूस्ट पाने से एक और फायदा कि भैया स्पीड इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे गाइस नेड फेंकता हूँ, इससे क्या होता है भैया बंदे नीचे कूद जाते हैं घर के। और इस बंदे ने क्या कहा भाई मेरे को नहीं समझ में आया बिल्कुल। यहाँ पे इन भैजों को गोल गोल घुमा के निपटाते हैं। अब थोड़ी सी गाइस हीलिंग करते हैं और फिर लूट भी करेंगे और फिर निकल लेंगे। तो यहाँ पे गाइस आता हूँ पोचिंग की में, और भाई फ्लैट थी मेरे पास तो मैं फ्लैट चलाता हूँ यहाँ पे, और ये जोन में मतलब यही जगह थी पोचिंग की जो कि बड़ी सी थी, काफी छोटी जोन बन चुकी थी अब। और गाड़ी लगाने के चक्कर में मेरे को एक गाड़ी स्पोर्ट होते हैं जो कि बहुत बुरी हालत में थी कसम से, मतलब यहाँ पे उसे हम गाड़ी नहीं कहेंगे, उसे हम बैलगाड़ी कहेंगे, क्योंकि भाई गाड़ी में कुछ था ही नहीं, गाड़ी लाए खत्म कर दी थी भाई बंदों ने। और यहाँ पे एक और गाड़ी थी उसके आसपास ही, और कुछ बंदे भी दिखते हैं मेरे को। तो यहाँ पे एक बंदे को मैं नोक कर देता हूँ, लेकिन भाई अपनी फ्लेयर नहीं आई थी अभी तक, और मैं रश मारना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ पे किस मैं क्या सोचता हूँ कि भाई पहले अपनी फ्लेयर लूटेंगे और फिर जाके बंदों पे रश मार देंगे, मतलब तगड़ी तगड़ी लूट मिलेगी तो थोड़ा आसान होगा भाई बंदों को मारने में, लेकिन देखते जाओ भाई बहुत गंदा स्कैम होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे भैया अपनी फ्लेयर तो मेरे को दिखती नहीं है, तो मैं समझ चुका था भैया आ चुके शायद से, क्योंकि प्लेन यार आके जा चुका था मतलब। तो यहाँ पर मैं सोच के चल रहा था कि भाई M249 मिलेगी, ग्रोजा मिलेगी, AWM मिलेगी, लेकिन रियलिटी क्या होती है DBS और MK, मतलब ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात हम यहाँ पे क्या करने। और अब भैया इन बंदों पर रश मार देते सामने वालों पे। तो यहाँ पे भैया पहले मैं सीट चेंज करके उतरता हूँ गाड़ी में से, क्योंकि अगर मैं वैसे एग्जिट मारता हूँ उनकी तरफ से तो मैं पता भाई भरता बनने में टाइम नहीं लगता मेरा। तो ये भी बहुत तगड़ी ट्रिक है, आप इसे यूज कर सकते हो अगर ऐसे फंस जाओ कभी, क्योंकि जिधर से बंदे गोली मार रहे हैं अगर आप उधर से उतरोगे तो तुम्हें पता फिर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं दो बंदों को नोक कर देता हूँ और गाइस हीलिंग भी कर लेता हूँ, और भाई एक बंदा और बचा है बस, तो उसको भी पकड़ते हैं।
तो ये बंदा जमीन से पता नहीं क्या ढूंढ रहा था भाई, इसको मुक्ति देते हैं जल्दी से, और दूसरे के पेट में भी दर्द हो रहा था। तो है बगैर पुचिंग की जोन से बाहर हो चुकी थी, और भाई ये थोड़ा सा कवर था यहाँ पे, तो मैं आता हूँ। लेकिन भाई तो यहाँ पे भैया मेरे को लगा था गया मैं, मतलब खत्म, कुछ नहीं हो सकता, अब गेम यहाँ पे खत्म है हमारा। लेकिन बस बच जाते हैं यहाँ पे, लग अपना अच्छा था। पबजी आज हमारा पूरा साथ दे रही है, और तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा और मतलब कितना साथ देगी। तो यहाँ पे जब इस बंदे को ढूंढते हैं और थोड़ी सी हीलिंग भी कर लेंगे। यही शायद वो भैया जी थे जो कि भाई मारने की कोशिश कर रहे थे मेरे को पहले, क्योंकि भाई अकेला बंदा था, सिंगल, अगर कोई और भी होता आसपास तो भाई आपस में लड़ते। खैर तो यहाँ पे मेरे को इन झाड़ियों पे बहुत शक होता है भाई, कसम से। मतलब इन झाड़ियों में कई बार भाई बहुत गद्दे कैंपर बैठे रहते हैं, और भाई बहुत बुरी तरह मारते हैं कसम से। पूरे एक साल तक याद रहता तुम्हें कि भाई ऐसा तुम कैंपर से मरे थे। यहाँ पे एक बंदा दिखता है मेरे को सामने, इसको मैं नॉक कर देता हूँ। भैया फायरिंग कर रहे थे किसी के ऊपर, और इसे मैं फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई रिवाइव हो जाएगा शायद ये बंदा, क्योंकि भाई मेरे को दिखता ही नहीं है। फिर और यहाँ पे वो टावर में भी बंदे हैं, क्योंकि भाई फायरिंग कर रहा था एक बंदा, उसका फ्लैश दिख रहा था मेरे को, तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ गोली मारने की, लेकिन फायदा नहीं था कुछ। और कैसे एक बंदे के मेरे को पीछे से फुटस्टेप्स आते हैं, तो ये भैया पता नहीं कहाँ पे दुपक्के बैठे थे। और अगर जोन नहीं बनते ना भाई, ये बंदा मेरे को मिलता भी नहीं कभी। तो यहाँ पे कैसे मैं इतनी देर से इन घरों में था, लेकिन भाई बंदा एक क्लू नहीं देता यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे थोड़ा सा स्मोक करता हूँ मैं, और भाई इसलिए स्मोक करता हूँ क्योंकि मेरे को और स्मोक चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैसे मेरे को शक था कि भाई जोन वॉच टावर की तरफ बन गई, तो मेरे को ओपन से जाना पड़ेगा, तो भाई स्मोक की जरूरत पड़ेगी मेरे को। लेकिन आज पबजी मेरी साइड ले रही थी यहाँ पे, तो भाई निपटाते उन बंदों को। खैर इन बंदों पर कोई चारा नहीं था मरने के अलावा, क्योंकि गाइस मेरे पास कवर था यहाँ पे। तो इसलिए गाइस M416 बीस्ट गन है, मतलब तुमने देख लिया होगा जिस वाले गेम में कितने किल करे मतलब M4 से हमने। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दो। नए बंदे मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।